एक ओर जहां देश के बड़े बड़े महानगरों में लोगों की लापरवाही के चलते कोरोना की स्थिति खतरनाक होती जा रही है, वहीं उत्तर प्रदेश में सरकार और स्वास्थ्य विभाग की सक्रियता के चलते कोरोना की स्थिति अभी तक नियंत्रण में नहीं है। बात करें अगर मथुरा जनपद के गोवर्धन की, यहां जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक लगभग 344 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिनमें 322 केस एक्टिव हैं और लगभग 71 लोगों को होम आइसोलेशन कराया गया है। गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी DVS ससुदिया ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र पर प्रतिदिन RT-PCR एवं एंटीजन की टेस्टिंग की जा रही है एवं एक ही गोवर्धन के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन भी जाकर जहां कोविड के मरीज निकल रहे हैं वहां जाकर चिकित्सीय परीक्षण भी कर रही हैं, जिससे कोरोना मरीजों की संख्या पर नियंत्रण किया जा सके। साथ ही उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील भी की है कि जब तक कोरोना की दवा आम जन तक ना पहुंचे तब तक किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरते और सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश का सख्ती के साथ पालन करें। सर, अपने गोवर्धन CHC को लेकर बात करें तो यहाँ पे अभी कितने एक्टिव कोरोना केसेस हैं और कितने रिकवर हो सके, सर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, हमारे यहाँ पे वर्तमान में जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकले हैं वो लगभग 344 है और उसमें से इस वक्त जो एक्टिव पेशेंट है हमारे वो है 22 और इसमें से हमने 71 जनों को होम आइसोलेशन करा था, उसमें से वर्तमान में एक्टिव होम आइसोलेशन पेशेंट है और प्रत्येक दिन हमारे CHC पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोवर्धन पे जांच हो रही है RT-PCR की, एंटीजन की। एक हमारी टीम है ना फील्ड में जाती है जो गांवों में कंटेनमेंट जोन जहाँ से व्यक्ति पॉजिटिव निकलता है उसमें जाके नेक्स्ट डे कंटेनमेंट जोन में जांच करती है कोविड की। और सभी को हमारे माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश है कि अभी भी इसका जो बचाव है वो सबसे बड़ा मास्क है और 2 गज की दूरी है, क्योंकि जब तक दवा नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसलिए सभी से निवेदन है मेरा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क और इसका हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें।